हेलो फ्रेंड्स, रेनु की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वेनिला केक स्पॉन्ज की रेसिपी लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है बहुत बढ़िया बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट ये बना है। ये देखिए, बिल्कुल जाली जाली, बहुत स्पॉन्जी बना है। ये देखिए, मैं इसे फोल्ड कर दे रही हूँ, वापस से फूल जा रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना सॉफ्ट है, तो आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे बताए हुए रेसिपी के अनुसार बनाएंगे तो आपका भी जो केक है बहुत ही इसी तरह से सॉफ्ट बनेगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें सबसे पहले सारे तैयारी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं केक टिन को पहले से ग्रीस कर ले रही हूँ, और उधर आप कुकर, कढ़ाई, जिस चीज़ में भी आप बना रहे हो तो पहले से हीट होने के लिए रख दें। आप टिन को ग्रीस किसी भी चीज़ से कर सकते हो, घी, बटर, जिसके साथ में भी आपका मन हो उससे ग्रीस कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा मैदा डाल के हर तरफ से हमें फैला लेना है। एक्स्ट्रा का जो मैदा बचता है उसे निकाल लीजिए। आप चाहे तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो टिन हमारा ग्रीस हो गया है, इसे रख देंगे साइड में। उसके बाद यहाँ एक छन्नी में 1 कप मैदा, 1 चम्मच 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून खाने का सोडा, इन तीनों को हमें अच्छे से छान लेना है ताकि ये तीनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे मैं 2 से 3 बार छानूंगी। 2 से 3 बार छानने का कारण यह है कि हमारे मैदा में एयर फॉर्म होता है, जिससे केक अच्छा फूलता है। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। इसके जगह में आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो। कस्टर्ड पाउडर से थोड़ा कलर अच्छा आता है, फ्लेवर भी अच्छा आता है। फ्रेंड्स, ये जो केक है बहुत टेस्टी बनता है। वैसे एगलेस केक में तो टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। एगलेस केक, ये किसी एसेंस वगैरह का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है इसमें। यहाँ पे एक बड़े बाउल में 1/4 कप दही, फ्रेश दही होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, और 1/4 कप ही कंडेंस मिल्क मैं डाल रही हूँ। ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। फ्रेंड्स, ये कंडेंस मिल्क भी बहुत बढ़िया बन जाता है घर में, तो बाज़ार से क्यों मंगवाना, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1/4 कप ही यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे ये तीनों चीज़ मैं एक ही कप से डाल रही हूँ, और 1/2 कप पिसा हुआ चीनी। तो मेजरमेंट का फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, तो आपका भी केक बहुत बढ़िया बनेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेजरिंग कप का ही इस्तेमाल करें। 1 कप कटोरी जिस चीज़ का भी आपको सेट करना है सेट कर लीजिए। ये मैदा का जो 1 कप है वो करीब करीब मेरा 150-200 ग्राम से थोड़ा बहुत कम होगा। तो आप इन सब चीज़ों को आप ध्यान से फॉलो करें तो आपका केक अच्छे से बनेगा। उसके बाद 1/2 कप मैं डाल रही हूँ दूध। आप दूध अगर पहला बार केक बना रहे हो तो आप एक साथ में दूध नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि दूध का क्वांटिटी थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है अगर आपका मेजरमेंट सही नहीं हो तो। थोड़ा सा वेनिला एसेंस, वैसे आप वेनिला एसेंस नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एगलेस केक बहुत टेस्टी होता है। इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर भी डाली हुई हूँ तो उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैदा को अब मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा डाल के हमें मिक्स करना है, एक साथ में नहीं डालें, नहीं तो गांठ पड़ जाएगा तो केक अच्छा नहीं फूलेगा। अब मैदा डालने के बाद बहुत ज़्यादा हमें नहीं फेंटना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब फ्रेंड्स, कुकर को में या फिर कढ़ाई में जिसमें भी आप डाले हों उसे टाइम एक सेट कर लें। अगर 30 मिनट का है तो उस बीच में आप एक बार निकाल के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे गैस का जो होता है फ्लेम अलग अलग होता है। तो ये देखिए, केक टिन में मैं सारे बैटर को डाल दी हुई हूँ, और डालने के बाद इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें टैप कर लेना है। कुकर हमारा गर्म है, मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और ढक्कन बंद करके 1/2 घंटा तक मैं इसे छोड़ूंगी। बीच में आप एक बार ज़रूर से खोल के देखिएगा। तो 1/2 घंटा हो गया है, मैं इसे देख लेती हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि मेरा गैस में कितना टाइम लेता है, तो मैं बीच में खोल के नहीं देखी थी।
टूथपिक पूरा क्लीन निकला है, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, साइड में रख देते हैं, ठंडा होने के बाद ही हमें निकालना है। तो हमारा केक जो है ठंडा हो गया है। पहले नाइफ के सहायता से इस तरह से साइड को अच्छे से निकाल लें, उसके बाद पलटी करें, नहीं तो केक जो है टूट जाएगा अगर साइड में चिपका रहेगा तो। हल्के हाथों से हमें टैप करना है। ये देखिए कितना अच्छा सा निकल गया है, बहुत ही बढ़िया कलर आया, बहुत सॉफ्ट बना है फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे आप लोग, इतना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए, आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत सॉफ्ट बनता है। और पसंद आने पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत ही जाली जाली आया है, देखिए। तो रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स, ट्राई करने के बाद कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ में। थैंक यू।